हेलो गाइज, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश है, आपके लिए सुपर 25 पार्ट 14 लेकर के आया हूँ। आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो 12 अगस्त 2017 शिफ्ट 2 का सीजीएल प्री 2017 का पेपर है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के पेपर में कैसा क्लोज टेस्ट है और कैसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे और क्लोज टेस्ट में भी मैं आपको बता दूं कि सिंगल रीडिंग हमें पहले करनी है, उसके बाद हमें ऑप्शंस फिलअप करके और कंप्लीट करना है क्लोज टेस्ट। तो पहले इसे सिंगल रीडिंग कैसे करनी है वो आप देखिए। मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ डैश, मतलब मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, प्रबंधन, किन्हीं चीज़ों का विशेष रूप से प्रबंधन करना, उन्हें मैनेज करना सुचारू रूप से ताकि वो हो सके। तो मैनेजमेंट जो प्रबंधन है वो एक सेट है, वो एक सब मतलब कहने का कलेक्शन है किन चीज़ों का, वो आपको भरना है। दैट कैन कीप, जो रख सकता है, ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम मतलब एक जटिल तंत्र को या जटिल प्रणाली को, ऑफ किन की, लोगों की एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी की, रनिंग और कि वो ताकि कैसे चल सके, अब वो आपको भरना है। द मोस्ट डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो सबसे ज़्यादा कौन सा पहलू होता है मैनेजमेंट का, इंक्लूड जिसमें शामिल है प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जिसमें शामिल हैं वो मैनेजमेंट का कौन सा पहलू है वो आपको भरना है। कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आप यहाँ तक इन्होंने दे दिया। अब ये कह रहे हैं लीडरशिप इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, जो नेतृत्व होता है वो प्रक्रियाओं का एक ऐसा कलेक्शन होता है, सेट होता है, दैट क्रिएट्स, जो कि निर्माण करता है ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का, इन फर्स्ट प्लेस पहली बार में यह तो वो ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करता है और अडॉप्ट देम टू, या फिर उन्हें अनुकूल बनाता है टू चेंजिंग सिचुएशन, मतलब बदलती हुई परिस्थितियों के साथ, या फिर उन्हें बदलती हुई परिस्थितियों के साथ ढाल देता है। अडाप्ट, ADAPT मतलब होता है अडाप्ट, मतलब कहने का कि किसी चीज़ को किसी के अनुकूल बना देना, और एक होता है ADEPT अडेप्ट, अडेप्ट मतलब होता है चतुर मतलब क्लेवर, और एक होता है ADOPT अडॉप्ट मतलब होता है गोद ले लेना किसी को, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने कही है। फिर कह रहे हैं लीडरशिप डिफाइंस, जो नेतृत्व है वो व्याख्या करता है व्हाट द फ्यूचर शुड लुक लाइक, हमारा भविष्य कैसा दिखना चाहिए इसकी। अलाइंस पीपल विथ, लोगों को जोड़ता है विथ दैट, उस चीज़ से, दैट डैश एंड इंस्पायर्स, जो कि और क्या करे और इंस्पायर, हमें प्रेरणा दे देम, उन लोगों को, टू मेक इट हैपन, ताकि वो इस काम को कर सकें डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल्स, मतलब बाधाओं के बावजूद। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा होता है, इम्पेडिमेंट हो गया आपका, और बहुत सारे हिंड्रेंस होता है इसका साइनोनिम, और ये सब चीज़ें क्या, ये जो साइनोनिम है ये SSC ने पूछे हैं, ऑब्स्टेकल का हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट हो गया, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्लोज टेस्ट पढ़ लिया। अब क्लोज टेस्ट में हमें ये पता लगा कि मैनेजमेंट की बात है, लीडरशिप की बात है, थोड़ा सा इंस्पायर करने वाला भी मुद्दा है, स्थितियों के अनुकूल हमें बदलना है, ये सारी चीज़ें, और मैनेजमेंट लीडरशिप जो है सबसे बड़ा पार्ट है, और इसमें प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मैनेजमेंट के क्या है, एक हिस्से हैं, ये चीज़ें हमें पता लगी। अब हम इसके आधार पर पूरे क्लोज टेस्ट के फिलअप करेंगे ऑप्शंस। देखिए कैसे करते हैं, फिर से आप एक पढ़िए, मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ क्या, अब मैनेजमेंट किस प्रकार की चीज़ों का समुच्चय है, सेट है, इंस्ट्रक्शन निर्देशों का समुच्चय है, सेट है, या रिसोर्सेज स्रोतों का समुच्चय सेट है, या प्रोसेस प्रक्रियाओं का सेट है, या प्रपोजल्स का सेट है, आप ये बताइए। प्रबंधन किन चीज़ों का होता है, प्रबंधन सपोज करिए कोई शादी है, ठीक है, अब शादी का मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो शादी में बहुत सारे काम होते हैं, पता लगा कि टेंट लगवाना है, खाने का मतलब मैनेजमेंट करना है, और तो ये सारी क्या होती है, ये सारी इतनी सारी ये अपने में खुद एक प्रोसेस होती हैं, इन प्रोसेस को जो पूरा करता है उसी को कहते हैं कि हाँ ये हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अब यही चीज़ आपको करनी है कि यहाँ पर प्रोसेस आपको चूज़ करना है। अब आप और क्यों नहीं लेंगे, अब किसी को क्यों लेंगे, ये तो आप क्यों होगा ये मैंने बताया, अब और कोई क्यों नहीं होगा ये भी आप सुनिए। इंस्ट्रक्शन निर्देश, तो
निर्देशों को एक साथ। अब प्रबंधन निर्देशों का कहाँ होता है, प्रबंधन जो होता है विशेष प्रक्रियाओं का। आप सोचिए कि आप खूब सारे आपके पास ऑर्डर हैं, आप उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। आप ऑर्डर को तो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, निर्देश होते हैं, या तो उनको उनसे अवॉइड किया जाता है, उनसे उन पर जो नुकसान होते हैं उनसे बचा जाता है, या फिर निर्देश जो होते हैं उनका पालन किया जाता है। मैनेजमेंट तो प्रोसेस होते हैं उन्हीं किया जाता है। रिसोर्स स्रोतों का प्रबंधन करना, तो स्रोत अगर आपको दिए हैं तो उसका प्रबंधन रिसोर्स, और इससे अच्छी तो प्रोसेस आप ले लें क्योंकि रिसोर्स से ज़्यादा अच्छा प्रोसेस आपको मिलेगा इसमें। तो प्रोसेस में क्या होता है, तो रिसोर्स और जो वर्किंग एक्शन है दोनों इंक्लूड होता है, और रिसोर्स में तो सिर्फ रिसोर्स होता है। प्रपोजल्स मतलब प्रस्ताव, तो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रपोजल काफ़ी सेम डायरेक्शन के, तो यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं। ये सब क्या है, ये सब आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर की तरह, ऑर्डर या एडवाइस की तरह वर्क करते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या होता है, ये अपने में पूरा मैनेजमेंट होता है, हर एक चीज़ का अपना मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है, और उस उन सभी प्रोसेस का कलेक्शन दैट इज़ कॉल्ड द कंप्लीट मैनेजमेंट। तो अब जैसे आप सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप कोई शादी का लेते हो तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, और उन सभी कामों को जो हैंडल करता है वो मैनेजमेंट कहलाता है। तो वैसे ही हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो खूब सारी प्रक्रियाएं होती हैं, खूब सारी प्रोसेसेस होती हैं, उनका कंप्लीट जो हैंडल करने वाला होता है वही मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस लेना पड़ेगा पहले, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में थर्ड ऑप्शन चूज करना है। अब मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन कीप ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, जो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को, और सिस्टम किसका, पीपल और टेक्नोलॉजी, लोग और तकनीकी का, जो जटिल सिस्टम है, जटिल तंत्र है, उसको ऐसे कीप रख सकती हैं दैट रनिंग स्मूथली। अब स्मूथली होगा, फास्टली होगा, रिलायबली होगा, शार्पली होगा। तो ताकि अब देखिए मैनेजमेंट से क्या होता है, सिस्टम तेजी से दौड़ता है कि सिस्टम रिलायबली विश्वसनीय ढंग से दौड़ता है, कि शार्पली यहाँ पर तेजी से दौड़ता है, या स्मूथली मतलब बहुत ही आराम से दौड़ चलता है। तो अब ये बता दूं मैं कि फास्टली तो होता नहीं है, रन फास्ट होता है लेकिन रन फास्टली नहीं होता, तो ये तो वैसे ही कट है, ठीक है, इसमें तो कोई आपको कुछ है ही नहीं। रिलायबली विश्वसनीय ढंग से, या शार्पली तेजी से, या स्मूथली, तो कोई काम जो होता है अच्छा तब होता है जब वो आराम से होता है, बढ़िया से, तेजी से होता है तब वो काम नहीं होता, वो तो बस खाता पूर्ति होती है। तो शार्पली और स्मूथली में आपको स्मूथली ना पड़ेगा, ताकि जो सिस्टम है लोगों का और टेक्नोलॉजी का वो स्मूथली चले, बहुत ही आराम से चलता रहे, ठीक है। तो आपको इसलिए सेकंड में थर्ड ऑप्शन लेना है, रनिंग स्मूथली। अब आगे थर्ड के लिए आप पढ़ेंगे, द मोस्ट डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड प्लानिंग। अब ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा पहलू है, कौन सा पहलू आपको भरना है मैनेजमेंट का, उसमें प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब आप बताइए प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे पहलू किस प्रकार के पहलू हैं बताइए मैनेजमेंट के, डेंजरस पहलू हैं बताइए। प्लानिंग तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लानिंग करेंगे नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट कैसे हो जाएगा, तो बिना प्लानिंग के तो मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। पहले आपको योजना बनानी है, फिर उसमें काम करना है, उसके लिए पैसा निर्धारित भी करना पड़ता है, तो ये सारे तो इंपॉर्टेंट है ना पहलू, तो डेंजरस तो हो नहीं सकता, डिफिकल्ट कठिन जरूर है, लेकिन कठिन से ज़्यादा हो सकता है कि किसी की प्लानिंग। अब मान लीजिए सपोज करिए कि आपने मैरिज की प्लानिंग, तो वहाँ पर कठिन हो गई। अब आपको सिंपल से एक मतलब सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना है, तो वहाँ पर इतनी कौन सी प्लानिंग है ना, वहाँ पर तो इतने सारे लोग होते हैं, वहाँ पर आप आराम से मिल करा रहे हैं। तो कठिन हर जगह डिफिकल्ट नहीं कह सकते, टेरिबल भयानक होता है, तो ये तो पूरी तरह डेंजरस की तरह गलत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, ये सारी ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, ऐसी मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, जिनके सहयोग से मैनेजमेंट बहुत आसानी से होता है। मैनेजमेंट अपने में बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लानिंग करेंगे आप, बजटिंग करेंगे, उसको संगठित करेंगे लोगों को, स्टाफिंग पर्याप्त लोगों को लेके आएंगे, कंट्रोलिंग उसका नियंत्रण रखेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर कोई समस्या आती है तो उसको हल करेंगे, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती है मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट क्या होता है बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए ये सारे जो है मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं। आगे समझ में, अब फोर्थ नंबर देखते हैं, लीडरशिप इज ए सेट ऑफ प्रोसेस। आपको यहां से भी समझ में आता है, लीडरशिप नेतृत्व और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, जिसके पास नेतृत्व करने की क्षमता है वही प्रबंधन करता है। तो एक तरह से आप कहें कि लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेम है काफी हद तक, तो चूंकि लीडरशिप में भी कई सारी प्रक्रियाओं का समावेश होता है, तो यहाँ पर भी आप मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रोसेसेस इस बेस पे भी रख सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको हिंट मिल रही थी पहले ऑप्शन के लिए। आगे पढ़ते हैं, लीडरशिप इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, उन प्रक्रियाओं का समूह है दैट क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो पहली बार ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती हैं, या अडॉप्ट और अडॉप्ट्स देम टू, या तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को अनुकूल बनाती हैं चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, बदलती हुई परिस्थितियों के। फोर्थ नंबर देखिए, नॉर्मली चेंजिंग रन चेंजिंग, तो रन चेंजिंग तो कोई मैच नहीं कर रहा, शो चेंजिंग नो, नॉर्मली चेंजिंग या सिग्निफिकेंटली चेंजिंग, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज हैं, देखिए ये आपको क्या है, नाउन है,
चेंजिंग यहाँ पर जीरेंडियल एडजेक्टिव के रूप में आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जब एडजेक्टिव तो एडवर्ब भरना पड़ेगा ना, तो आपका ये बताइए कि तीसरा और चौथा ये तो आपके एडवर्ब है ही नहीं, है ना, तो आपका नॉर्मली है और ये जो आपका सिग्निफिकेंटली है ये है। अब इसमें आपको कौन सा ऑप्शन लेना है ये आपको, तो सामान्य से आसानी से बदलती हुई परिस्थितियाँ, आसानी से नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, मतलब कि परिस्थितियाँ इतनी जल्दी बदलती हैं कि वो हमारे लिए अनुकूल, उनका अनुकूल होना महत्वपूर्ण है नहीं, तो नॉर्मली चेंजिंग की बजाय आपको सिग्निफिकेंटली चेंजिंग इज ज़्यादा बेटर है, इसलिए आपको फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वन भी चलेगा लेकिन फोर्थ ज़्यादा अच्छा है, आपको बेस्ट एक्सप्रेस लेना पड़ता है, ठीक है, जो बेस्ट हो ऑप्शन चूज करना है, तो आप चूँकि भरना ही आपको बेस्ट होता है, इसलिए आपको फोर्थ नक लेकर के आपको सिग्निफिकेंटली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज लेना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं, लाइक हमें लीडरशिप डिफाइंस व्हाट द फ्यूचर शुड लाइक, मतलब लीडरशिप ये बताता है व्हाट द फ्यूचर शुड लुक लाइक, कैसे हमारा भविष्य दिखना चाहिए। अलायंस विथ पीपल, लोगों से जुड़ा रहे, दैट जो कि क्या करें, एंड इंस्पायर और प्रेरित करें। अब देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आया, तो अगला वाला भी जो होगा क्या होगा, एंड इंस्पायर देम और हमें प्रेरित करें, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अलाइन पीपल विथ दैट और लोगों को किस चीज़ से जोड़ता है बताइए। लीडरशिप जो है हमारे भविष्य को बताता है और लोगों को जोड़ता है, अलाइंस पीपल विथ दैट लुक, अब उस दृष्टि से जोड़ता है, रोल उस योगदान से जोड़ता है, मतलब कि उस अदा से जोड़ता है या फिर उस स्रोत से जोड़ता है या उस विजन से जोड़ता है, दैट इंस्पायर एंड इंस्पायर देम और उनको प्रेरित करता है टू मेक इट हैपन, कि वो उसे पूरा कर सके डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल बाधाओं की ओर। तो अगर लुक से जोड़ेगा तो लुक को कैसे पूरा करेंगे, रोल से जोड़ेगा तो रोल को कैसे पूरा करेंगे, है ना, रोल को तो निभाया जाता है, प्ले किया जाता है, सोर्स को अगर करेगा, मतलब सोर्स को अगर मतलब कहने का कि जोड़ता है ये लीडर, अगर लोगों को सोर्स से जोड़ती है तो सोर्स कैसे उन्हें इंस्पायर करेगा। अब विजन, अगर कोई विजन मतलब दृष्टि होता है आपका, लक्ष्य जिसे हम कहते हैं ना, तो अगर किसी दृष्टि से किसी पर्टिकुलर एम से जोड़ता है तो वो एम जो है इंस्पायर करेगा उनको कि मेक इट हैपन, ताकि वो उस अपने कार्य को पूरा कर सके डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल, बिना बाधा के। तो इन चारों ऑप्शन में जो आपका होगा विजन होगा। आप फिर से पढ़ सकते हैं, लीडरशिप डिफाइंस व्हाट द फ्यूचर शुड लाइक, हम लीडरशिप ये बताता है कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, है ना, और अलायंस पीपल और जैसा होना चाहिए उसी तरह वो लोगों को जोड़ता है, दैट विजन उसी दृष्टि से जोड़ता है जिस दृष्टि में आपने सोचा कि हमारा भविष्य ऐसा होना चाहिए, एंड इंस्पायर देम और प्रेरित भी करता है देम टू मेक इट हैपन डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो ये क्लोज टेस्ट आपने सीख लिया। मैं यहाँ ग्रामेटिकल पॉइंट आपको थोड़ा रेज करना चाहूंगा, देखिए लीडरशिप डिफाइंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, अलाइन प्लस एस, तो ये वर्ब से जुड़ा तो यहाँ पर भी वर्ब आई, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एंड के बाद भी वर्ब ही आई है, क्योंकि आपने कॉमा से लगातार वर्ब से सेंटेंस जोड़ते जा रहे हैं। लीडरशिप डिफाइन व्हाट द फ्यूचर शुड लाइक लुक लाइक, फिर लीडरशिप अलाइंस पीपल विद दैट, लोग उसको उससे जोड़ता है, और फिर लीडरशिप आया, लीडरशिप इंस्पायर्स देम टू मेक इट हैपन डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल। तो ये आपको ग्रामर पॉइंट भी मिल गया क्लोज टेस्ट से, एक कंप्लीट क्लोज टेस्ट भी आपने समझ लिया। अब हम वन बाय वन शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सिक्स नंबर पे हमें देखना है स्पॉटिंग एरर कैसे करना है। तो स्पॉटिंग एरर में बहुत ही सिंपल है, द रीजन प्रिया वाज लेट, यह कारण कि जो प्रिया लेट हुई थी टू द मीटिंग में इज, वो यह है बिकॉज हर फ्लाइट, क्योंकि उसकी जो फ्लाइट थी वाज डिलेड, वो देर हो गई थी उसे। तो आप, मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी न्यूज़पेपर में भी बताया है एडिटोरियल पढ़ाते समय, और ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने 11 अगस्त के पेपर में भी करवाया था, शायद 11 या 10 अगस्त में, जिसमें कि द रीज़न था, तो मैंने बताया था कि द रीज़न के साथ बिकॉज नहीं आता, द रीज़न के साथ क्या आता है, दैट द रीज़न प्रिया वाज लेट टू द मीटिंग इज दैट, यहाँ पे क्या होगा, विकास की जगह दैट होगा, तब द रीजन का कंजंक्शन जो होता है वो दैट होता है। मैं आपको एक बार ये भी बताया था कि न्यूज़पेपर में द रीजन के साथ विकास मिलता है, लेकिन वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं है, एसएससी उसे सही नहीं मानता, और वो सही है भी नहीं, लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिकल यूज में लिखा जाता है तो इसलिए वो स्पीकिंग लैंग्वेज के टाइप में एज पर स्पीकिंग लैंग्वेज हम उसे यूज़ कर देते हैं। तो वहाँ पर हमारा जो मुद्दा होता है न्यूज़पेपर में, हमें इसीलिए मैंने कहता हूँ आपको कि केवल उतनी चीज़ें आपको सीखनी है न्यूज़पेपर से जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रिलेटेड है। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर वो सब नहीं सीखनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप सीख लोगे तो वो आपके हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो वहाँ पर, तो एसएससी वहाँ पर नंबर आपका काटेगा, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इशू हैं, मैं रेज करूँगा आपको, और
सेवन नंबर आप देखिए, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम, ना उन्होंने सिर्फ ऑफर हिम गुड सैलरी, अच्छी सैलरी दी, बट प्रोवाइडेड हिम, बल्कि उन्हें उपलब्ध कराया विथ अ न्यू ब्यूटीफुल बंगला, एक नए सुंदर बंगले के साथ। मतलब उन्हें ना सिर्फ अच्छी सैलरी दी बल्कि एक अच्छा सा बंगला भी दिया, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मैं नॉट ओनली डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है, तो नॉट ओनली के बाद बट आल्सो की भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो बट के बाद प्रोवाइडेड सेकंड फॉर्म आया, लेकिन बट के बाद आल्सो नहीं है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बट आल्सो भरना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बट आल्सो आप करेंगे तो सेकंड पार्ट में आपकी एरर है, क्योंकि आल्सो छूटा है, तो आपको सेकंड पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। एट नंबर में फ्लिंदा ब्लैंक्स हैं, तो आइए फ्लिंदा ब्लैंक्स करते हैं। फ्लिंदा ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, हिज फादर डैश हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसके पिताजी ने उसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगा दिया, इस सेंस में आपको पढ़ना है। मतलब कहने का उसके पिताजी ने उसको कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगाने का मतलब उसको एक धंधा करवा दिया, और कौन सा था वो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस करवा दिया, है ना। और कोई भी होता तो और कोई होता, जैसे फल की दुकान करवा दी, और कोई बड़ा सा मॉल खुलवा दिया, तो वैसे ही है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस खुलवा दिया, मतलब उसको पैसा दिया कि और सपोर्ट किया कि आप वो बिजनेस करो। तो जब पैसा देके सपोर्ट करने की बात आ रही, टू गिव मनी टू समबडी टू सपोर्ट हिम इन ए पर्टिकुलर एम दैट ही वांट्स टू डू, तो ऐसे आप जब होता है तो उसमें सेट समबडी अप होता है, सेट समबडी अप, है ना। हिज फादर सेट समबडी अप इन ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसके पिताजी ने उसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सेट कर दिया, मतलब उसको बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। आप मैं बता दूं, कीप समबडी अप होता है किसी को जगा के रखना, है ना। जैसे आपका ये भी मतलब हो सकता है कि हिज फादर कीप हिम अप इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो कीप समबडी अप का मतलब होता है किसी को सोने ना देना, जगा के, उसके पिता ने उसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जगा के रखा, तो मीनिंग तो ये भी निकल रहा है, लेकिन आपका भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगा के रखना, फोर्थ ऑप्शन इसकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसने जगा के रखा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, मतलब पॉसिबल हो सकता है उसके पापा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करते हों, अब बेटे को एक दिन ले गए हों, और वो मतलब कहने का वहां सो रहा हो, उसे जगा दिया, एक तो इसे इस तरह आप समझ सकते हैं, या फिर सेट समबडी अप इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, मतलब उसने बिजनेस में लगाया, तो ये ज्यादा आपका सुटेबल है, ये थोड़ा कम सुटेबल है, इसलिए आपको फोर्थ ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है। लेकिन कीप समबडी अप का मतलब क्या होता है, ये आप ध्यान रखिए कि दूसरे किसी को सोने नहीं देना, है ना, उसे बार बार जगाते रहना, तो वो हो गया। होल्ड समबडी अप पकड़े रहना, बिल्ड समबडी अप उसे बनाया कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, नो ऐसा कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है। अब नाइन्थ नंबर का आप देखिए, आपको ये ध्यान देना है, सेट समबडी अप, ठीक है, इसे नोटिस करेंगे। आई हैव डैश रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट, उसके उपलब्धियों के लिए मेरे मन में गहरी बहुत बड़ा सम्मान की भावना, बहुत सम्मान की भावना है। तो जब बहुत ज़्यादा सम्मान की बात आती है तो प्रोफाउंड आता है, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, ये आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, तो वहाँ पर आपको लगातार प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, प्रोफाउंड स्लीप, डीप स्लीप, इस तरह करके प्रोफाउंड और डीप में बड़ा कन्फ्यूजन बनता है, प्रोफाउंड लें कि डीप लें, तो हर एक के साथ हर एक नहीं आता, कहीं कहीं प्रोफाउंड आता है, कहीं कहीं डीप आता है, डीप स्लीप भी आता है, प्रोफाउंड स्लीप भी आता है, लेकिन सबसे अच्छा प्रोफाउंड स्लीप होता है, डीप स्लीप थोड़ा कम अच्छा होता है ना, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर प्रोफाउंड रिस्पेक्ट होता है ना, आई हैव डीप रिस्पेक्ट या आई हैव प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, तो डीप तो दिया नहीं, प्रोफाउंड दिया है, और डीप और प्रोफाउंड में भी चेक करना है तो प्रोफाउंड आपका ज़्यादा अच्छा होता है, हर जगह प्रोफाउंड अच्छा नहीं होता, लेकिन रिस्पेक्ट के मामले में प्रोफाउंड अच्छा होता है, ठीक है। तो हर वर्ड के साथ आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा किसके साथ ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पर प्रोफाउंड आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, बाकी कोई नहीं। मेरे पास पर्याप्त रिस्पेक्ट है, पर्याप्त क्या मतलब तौल के दे रहा है क्या, तो पर्याप्त रिस्पेक्ट है। स्ट्रांग रिस्पेक्ट मतलब बहुत ही मजबूत है, मतलब मजबूत की यहाँ बात नहीं, गहरी की भावना कि आपके दिल में कितनी रिस्पेक्ट है, तो स्ट्रांग तो फिजिकल का सेंस दे देगा। यूनिक अद्वितीय रिस्पेक्ट है, वैसे रिस्पेक्ट किसी के दिल में नहीं है, तो ये भी कुछ ज़्यादा ही मतलब अतिशयोक्ति हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना है, सेकंड ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ना है। सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन, इस शब्द दिए गए शब्द के सिमिलर मीनिंग वाला शब्द चूज करिए। बोस्ट मतलब होता है शेकी बघाड़ना, मतलब कहने का कि बड़ी बड़ी हाँकना, तो प्राइड मतलब घमंड का सेंस देता है, यही आपका साइनोनिम बनेगा, सिमिलर मीनिंग बनेगा। अवॉइड माने बचना, चेंज मतलब बदलना या परिवर्तित करना, परिवर्तन, रिलाई मतलब विश्वास, ठीक है, विश्वास करना। अगला देखेंगे 11, इसका भी सिमिलर मीनिंग देना है, हेस्ट, हेस्ट माने होता है जल्दी करना, तो अब बर्डन माने बोझ, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, साइट माने दृष्टि या दृश्य, और आपका हरी मतलब होता है जल्दी करना, तो ये आपका हरी हो जाएगा, ठीक है। अगले वर्ड्स हम चेक करते हैं, अभी साइनोनिम्स हो गए हैं, अब हमें अपोजिट वर्ड्स मिलने वाले हैं, आई होप। तो 12 नंबर पे आप देखने वाले हैं, अब ये अपोजिट वर्ड्स हैं, तो देखिए आप अपोजिट वर्ड आपको करने हैं। रिफल्जेंट क्या होता है, रिफल्जेंट का मतलब होता है वेरी ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा चमकीला, तो चमकीले का अपोजिट क्या होगा, डार्क, अंधेरा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाउड मतलब तेज, रफ माने खुरदुरा, स्वीट मतलब मीठा, तो आपको सारे मीनिंग भी पता हो गए।
आप 13 नंबर देखिए, स्केप्टिक, स्केप्टिक होता है संदेहवादी, है ना, वो हर उस चीज में संदेह करे, ऐसा व्यक्ति जो हर उस चीज में संदेह करे जिसे दुनिया मान रही है, ठीक है ना, मतलब हर जगह डाउट रखने वाला। तो संदेहवादी का अपोजिट क्या होगा, बिलीवर, विश्वास करने वाला। तो पहला ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया। एरोनियस, त्रुटिपूर्ण हो गया, है ना, जिसमें कि गलतियां हो, खामियां हो। नर्वस मतलब उदास। निहिलिस्ट मतलब होता है शून्यवाद, ठीक है, शून्यवाद मतलब किसी चीज में विश्वास ना, इस तरह का करने वाला, इसे निहिलिस्ट मतलब शून्यवाद का मतलब कहते हैं। हरकुलियन टास्क क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, तो ये आप बहुत बार रिपीट है और आपको ये ध्यान देना है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे हम बढ़ते हैं, अब आप देखेंगे 15 नंबर पे टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मीन्स होता है इन सस्पेंड एंड एंजाइटी। अब ऑप्शन आपको क्या दिया है, इन एनेक्सियस सस्पेंस, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार ऑप्शन दिया था इन सस्पेंड एंड एंजाइटी, तो वो आपका मीनिंग था। फ्लैटरी मतलब चापलूसी, स्पीक क्विकली, तेजी से बोलना, जल्दी जल्दी बोलना। इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर मतलब असंगठित ढंग से, तो ये भी कोई मतलब नहीं है, बस मीनिंग ये अनएक्सियस एंड सस्पेंस, मतलब अनएक्सियस सस्पेंस मतलब अनिश्चित चिंता की स्थिति में, इस और संदेह की भी स्थिति में, ठीक है। अब हम भरेंगे इम्प्रूवमेंट। नेहा वुड बी लुक्ड ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर। अटायर का मतलब होता है क्या, वेशभूषा, परिवेश, ठीक है, तो आउटलुक भी हो सकता है, इस तरह एक और वर्ड होता है इसका। तो अटायर आपको क्या होता है, वेशभूषा, पोशाक जिसे हम कहते हैं। तो नेहा जो है भारतीय पोशाक में वुड बी लुक्ड मतलब देखेगी, लुक्ड, अब तो वुड बी लुक्ड मतलब देखी जाएगी, ठीक है, तो पैसिव की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लुक का एक मीनिंग मैं बता दूं, लुक का मतलब अपीयर भी होता है, और जब अपीयर के सेंस में होता है तो इसे एक्टिव में हम यूज कर सकते हैं। तो बस हैड लुकिंग, नेहा देख रही, देख चुकी होगी, देख चुकी है थी, तो या फिर वाज लुक्ड, या फिर दिखी, है ना, तो वाज लुक्ड, या फिर जब सेंस आपका वुड में है तो आपको वुड में ही करेक्ट करना है, तो वुड लुक मतलब कहने का नेहा जो है सुंदर दिखेगी भारतीय पोशाक में, है ना, तो वुड लुक हो गया। अब ये वुड और विल में क्या चक्कर होता है, मैं बता दूं कि विल आपका जैसे आप प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करते हो, है ना, कि आई विल बी प्राइम मिनिस्टर, आप अगर आज के इसी क्षण कहते हो, है ना, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो आप विल लगाओगे। अगर आप ये कहते हो कि आई सेड ऑन 24 मई दैट आई विल बी प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने 24 मई को कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और बात आप आज कर रहे हो, तो जब आप आज प्रेजेंट में होकर के और पास्ट के समय का जिक्र करते हो, तो पास्ट से जब फ्यूचर की ओर जाते हो तब वुड यूज होता है, और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाते हो तो विल यूज होता है, तो समझ रहे हैं आप, तो इसीलिए यहाँ पे वुड का सेंस है, लेकिन पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में ही। तो नेहा वुड लुक मतलब नेहा वुड अपीयर ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर, नेहा जो है वो आपके मतलब भारतीय पोशाक में सुंदर दिखेगी। ये स्टेटमेंट किसी ने पहले कहा होगा और उसका जिक्र किया है, आज कर रहा है, इसलिए पास्ट में ले लिया, वुड कर दिया। अगर वो आज ही कहता और उसी क्षण कहता तो वो क्या वुड की जगह मतलब कहने का विल करता, तो आया समझ में। तो आप वुड से कोई इशू नहीं है, विल और वुड में बस इतना डिफरेंस होता है, आपको समझ में आ गया होगा आज विल और वुड में डिफरेंस क्या होता है। 17 नंबर देखेंगे, पीपल हैव बीन लॉन्ग नोन हाउ इम्पॉर्टेंट द ट्रीज आर टू नोन, लोग लंबे समय से जाने जाते रहे हैं कि कितना पेड़ महत्वपूर्ण है उनके लिए, लोग नहीं जाने जाते रहे हैं, लोगों के द्वारा लंबे समय से जाना गया, बड़े दिनों के बाद जाना गया कि पेड़ उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो पीपल हैव लॉन्ग नोन मतलब कहने का पीपल हैव लॉन्ग नोन, लंबे समय में लोगों ने जाना कि पेड़ उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो हैड लॉन्ग तो यहाँ मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहना है। अब हैव टू नो लॉन्ग मतलब पीपल हैव टू नो लॉन्ग मतलब लोगों को लंबे समय में जानना पड़ा, मजबूरी बनी नहीं, उनको पता ही लगा अपने आप। तो पीपल हैव लॉन्ग नोन, लोगों ने लंबे समय में जाना कि पेड़ उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है, तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन लेना है। इस तरह आपको टेंस चूज करते हैं। एक लोग कह रहे थे कि टेंस में सर बताइए, है ना, तो देखिए क्वेश्चन जब आते हैं तब हम टेंस का पूरा जिक्र करेंगे। अब लेकिन आप सोचे कि मतलब हम न्यूज़पेपर में टेंस बताएं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, मतलब कहने का न्यूज़पेपर में टेंस उतना अच्छे से नहीं फॉलो करता है जितना कि एसएससी की डिमांड है, ठीक है। तो वहां पर अगर हम टेंस के बेसिस आपको बताने लगे कि टेंस ऐसे ऐसे आया है देखिए, तो आपकी एरर ज्यादा होंगी। इसीलिए हम वही चीजें आपको वहां से सिखाएंगे न्यूज़पेपर में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, गलत चीजें आपको वहां से नहीं पढ़नी। न्यूज़पेपर में कई चीजें गलत होती हैं, ऐसे टेंस पे वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता कि कौन सा टेंस आना चाहिए। अब वही मैं आपको ऐसे एडिटोरियल में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, मतलब टेंस का बहुत अच्छा फॉलो वहां नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, तो वहां पर से वही चीज सीखनी है। प्रीपोजिशन वहां बहुत अच्छे से फॉलो होता है, कंस्ट्रक्शन, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह बहुत अच्छे से फॉलो होती है, वो चीजें आपको सीखनी है। आपको बहुत ज्यादा चीजें वो नहीं सीखनी जो आपकी
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नुकसान करेंगे, केवल वही चीज़ें सीखनी है जो आपको फायदा करने वाली हैं। इसीलिए यही मतलब होता है कि एक आप गाइडेंस में पढ़ेंगे, नहीं तो रीडिंग तो सभी कर सकते हैं लेकिन मतलब उन्हें नतीजा नहीं मिलेगा, कुछ गलत सीख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 18 नंबर हम देखें, एन एसोसिएट इन क्राइम, आखिर किसी अपराध में जो व्यक्ति सहायक होता है उसे हम अकाउम्प्लिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउम्प्लिस, सहयोगी, और अपराध में सहयोगी, उसे ए पहला ऑप्शन सही है। आप कैलस होता है क्रूर, जिसके पास दया ना हो। इटरेंट होता है ऐसा व्यक्ति जो कि नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, उसे इटरेंट कहते हैं। अ पर्सन हु वेंट हेयर एंड देयर और प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब। और फिलिस्टीन होता है जिसका आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट ना हो, जो कि जिसे पसंद ना आए। ठीक है, फिलिस्टीन ये पहले वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने करवा चुके हैं, अभी यही शायद 12 अगस्त में या 11 अगस्त में आया था। आप 19 नंबर देखेंगे, मैन बी हैविंग मोर लाइक ए वुमन, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादातर महिला की तरह व्यवहार करता हो देन एज ए मैन, पुरुष की अपेक्षा महिला की तरह व्यवहार करने वाला, उसे हम कहते हैं इफेमिनेट। क्या कहते हैं? इफेमिनेट, महिला के ढंग का। ग्रीगेरियस होता है मिलनसार, मतलब इसका साइनोनिम जीनियल होता है ना, एमिएबल होता है, एमिकेबल होता है, फ्रेंडली होता है, सोशिएबल होता है, इतने सारे, और सारे एसएससी में पूछा है, एक भी ऐसा नहीं है जो ना पूछा गया हो, सब मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से सुन लीजिए। ग्रीगेरियस के साइनोनिम सोशिएबल होता है, जीनियल होता है, और कंजीनियल होता है, और आपका सोशिएबल होता है, सोशिएबल हो गया, एमिकेबल होता है, एमिएबल होता है ना, और फ्रेंडली भी होता है, तो इस तरह की इसके सब साइनोनिम है। ठीक है, बाइपेड होता है दो पैरों वाला, ठीक है, और इनएलिनेबल, जिसे आपसे अलग न कह सके, दैट कैन नॉट बी विथड्रॉन फ्रॉम यू, जो आपसे दूर न कह सके, कीप नॉट कीप अवे फ्रॉम यू। ठीक है, 20 नंबर देखेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड भरना है। एक्सटेसी, उत्साह, ये सही है, सेक्रीफाइस, बलिदान सही है, टेम्परेरी, अस्थाई, सॉरी हाँ अस्थाई, ये भी सही है, प्रोफिशियंट, FICIENT होगा, तो ये जो ई का ई है आपका, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपको ये आपको बदल करके आई कर देना है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आप गलत यहाँ पे आपको भरना है ना, तो आपको क्या हो गया, फैमिलियर सही है, नैरेटर सही है, ऑपरेटर सही है, और ग्रामर की स्पेलिंग गलत है, GRAMMAR होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप 22 पे आपको PQRS भरना है, तो आप तैयार हैं PQRS के लिए। अब PQRS आप भर लीजिए। PQRS में क्या करना है कि आपको पहले देखना है ऑप्शन किससे शुरू है, तो ऑप्शन आपके शुरू हैं R से, आपके ऑप्शन शुरू हैं R से, यहाँ पर भी R से, और यहाँ पर भी R से, मतलब कितनी अजीब बात है, पहले में R लेना ही है, बिना सोचे समझे पढ़ डालो और आगे बढ़ो। और P के R के बाद क्या है, S है, P है, Q है, तो Q की चांसेस ज़्यादा हैं R के बाद, तो आप पहले R पढ़ो, उसके बाद फिर देखते क्या होता है। वाटर प्लेज ए वर्सेटाइल रोल, जो बाहर पानी है, वाटर प्लेज ए वर्सेटाइल होता है अनुभवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो पानी है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है इन द फंक्शनिंग ऑफ बायोस्फीयर, किसके बनाने में, बायोस्फीयर के निर्माण में। ठीक है, अब आपको क्यू से जैसे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप क्यू से जरा भरिए। द वाटर साइकिल हैज टू डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, वाटर साइकिल की दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, द एटमॉस्फेरिक ब्रांच एंड द टेरेस्ट्रियल ब्रांच, एक तो एटमॉस्फेरिक ब्रांच होती है, दूसरी टेरेस्ट्रियल ब्रांच होती है। फिर अब ये कह रहे हैं इन, अब देखो इसमें एस में दे रखा है इन एटमॉस्फेरिक ब्रांच, एटमॉस्फेरिक ब्रांच में वाटर एग्जिस्ट मेनली इन गैसेस फॉर्म, और वाटर कहाँ होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, एंड ऑन द अर्थ लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म प्रीडोमिनेंट, और अर्थ में लिक्विड फॉर्म और जो सॉलिड फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्रीडोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि वाटर साइकिल में दो अलग अलग ब्रांच होती है, एटमॉस्फेरिक ब्रांच और टेरेस्ट्रियल ब्रांच, और यहाँ ये बता भी रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक ब्रांच में वाटर एग्जिस्ट करता है, तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे फिर ऐसा आएगा, तो क्यू के बाद ऐसा आएगा ये पक्का है, आर से स्टार्टिंग होगी। क्यू के बाद एस किस में है आप चेक करिए, क्यू के बाद यहाँ एस नहीं है, क्यू के बाद यहाँ एस नहीं है, एस के बाद क्यू है, गलत है, क्यू के बाद यहाँ पर एस है, क्यू के बाद एक पॉइंट छोड़ करके फिर एस है, मतलब आपको आपको क्या लेना है, आर क्यू एस, उसके बाद लास्ट में पी लेना है, कि आपको देखना है कि एटमॉस्फेरिक ब्रांच में वाटर ज़्यादा एग्जिस्ट करता है और उस गैसेस फॉर्म में, और फिर ऑन द अर्थ और ज़मीन पर लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो बताइए साफ साफ बता रहे कि नहीं दे रहा है कि यहाँ पे वाटर जो है गैसेस फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक जब हम ब्रांच पढ़ते हैं तो वहाँ पर वाटर गैसेस फॉर्म में होता है, और लिक्विड और फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में वो अर्थ में होता है, तो आपको पूरा एस के बाद पी भी लेना है, ये भी कन्फर्म हो गया, मतलब आपको सेकेंड ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, तो इस तरह आपको PQRS करने हैं। 23 पे आप देखेंगे ये आपको पैसिव वॉइस करना है, एक्टिव पैसिव। सुनीता हैज रिटन अ स्टोरी व्हिच फैसिनेट्स एवरीवन, मतलब सुनीता ने एक कहानी लिखी जो सबको फैसिनेट करती है, मतलब अट्रैक्ट करती है। ठीक है,
अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय सुनीता विच फैसिनेट्स एवरीवन, ये टोटली करेक्ट है, इसको आपने पैसिव बना दिया। अ स्टोरी हैज बीन रिटन, हैज का हैज बीन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन होता है तो बीन लगा देते हैं, तो अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय सुनीता विच फैसिनेट्स एवरीवन, जो कि सभी को चौंकाती है या अट्रैक्ट करती है, ठीक है, एवरीवन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको इसके साथ देना। आप एक और ऑप्शन चेक कर लीजिए, जैसे एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द स्टोरी, हर व्यक्ति स्टोरी से फैसिनेट हो जाता है ना, तो फैसिनेट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये भी सही है ना, विच हैज बीन रिटन बाय सुनीता, जो कि सुनीता के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो अब हैज है तो हैज बीन भी है, मतलब ये भी सही है। तो आप सोचिए कि अब इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे ए स्टोरी है, यहाँ पे द स्टोरी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा और आपको ये ऑप्शन होगा कि यहाँ पर अ स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह भी आपको काम करना है कि देखिए ये भी पैसिव सही है लेकिन बाय अ स्टोरी कर देता तो दोनों में से कंफ्यूजन रहता कौन सा ले कौन सा न ले, ठीक है, यहाँ पर भी द स्टोरी, यहाँ पर भी द है, लेकिन ये तो और भी पॉइंट से गलत है, इसलिए आपको थर्ड ऑप्शन नहीं लेना है, और फोर्थ का तो कोई सवाल ही नहीं होता, आप पढ़ लेंगे उसे गलत हो जाएगा। तो पहले दूसरे में कन्फ्यूजन थी तो मैंने बताया कि दूसरे को काटने का क्या बेसिस था, हमारा द था, हमें यहाँ पे अ दिया है तो हम ए ही लेंगे, हम द क्यों लेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया। तो आई होप आपको ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा और थोड़ा सा इसे अच्छा भी लगा होगा, इसे ध्यान देना, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे, और आप जब अप्लाई करते हैं अपने खुद के पी क्यू वाले से या मतलब कहने का एक्टिव पैसिव करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। अब 24 नंबर पे आपका एक पी क्यू आर एस है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व करने का बहुत अजीब, मतलब आप सोचेंगे कि क्या क्या है, मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं क्या, आप सोचिए कि सेंटेंस सी से स्टार्ट, एस से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट है और आर से स्टार्ट है, जब सारे ऑप्शन आपको दिए हों तो एक चुनौती ये होती है, हमारे पास चैलेंज होता है कि हमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, और दूसरी फायदा ये होता है हमें, जो सबसे बड़ा फायदा होता है, अगर हमने पहला सेंटेंस डिटरमाइन कर लिया कि हमें 100% पता लग गया कि पहला सेंटेंस यही होने वाला है, तो फिर हमें आगे पढ़ें चाहे ना पढ़ें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सेंटेंस अलग सेंटेंस, मतलब पी से, क्यू से, आर से, एस से स्टार्ट है, तो हमें केवल पहला डिटरमाइन करना है, बाकी सब हो जाएगा। तो क्या यहाँ संभव है, आप देखिए, फॉर एवर, फॉर हाउ एवर इलिजिबली, चाहे जितना भी कठिन हो, इलिजिबली मतलब कठिन हो, फॉर क्योंकि चाहे जितना भी कठिन हो, इट इज स्टिल न्यू टू हार्बर्स, ये अभी भी हार्बर्स के लिए जाना जाता है, अंकुर्स के लिए, ऑफ होम्स मतलब घर के लिए, टू विच टू रिटर्न जहाँ पर आपको मतलब वापस होना है, एंड ऑफ बार्न्स इन विच द स्टोर हार्वेस्ट, और ऐसे जगह के लिए जहाँ पर फसल हमें कहने का इकट्ठा करनी है। तो अब इट किसके लिए आया, आप डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब आपका पी नहीं होगा, तो आपका एक ऑप्शन कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब आप क्यों, आप देखेंगे द वर्क ऑफ एन अर्ली रिनाइजेंस, मतलब कहने का वर्क मतलब वर्क लगा है, वर्क में एस लगा है, मतलब ये काउंटेबल बना, तो वर्क एक होता है डब्ल्यू आर के, ये अनकाउंटेबल जब होता है हम काम पढ़ते हैं, वर्क एक वर्क में जब एस लगता है तो वो वर्क होते मतलब उसका मतलब होता है रचनाएं, ठीक है, तो यहाँ वर्क का मतलब रचनाएं हैं, रचनाएं ऑफ अर्ली रिनाइजेंस मतलब शुरुआती पुनर्जागरण काल की, शुरुआती पुनर्जागरण काल की रचनाएं, एंड द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर की जो पोएट्रीज हैं वो दोनों वाइब्रेट विद कंपैशन, वो कंपैशन से भरी हुई हैं, फॉर लाइफ मतलब कंपैशन मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा, बहुत ही शांति, फॉर लाइफ, फॉर लाइव एक्सपीरियंस मतलब क्या है, सजीव अनुभव किया जा सके, इन डेंजर खतरे में, ऑफ डाइंग मरने का, ताकि मरने का खतरे में मतलब खतरे में डेंजर में आप जब हो तो मरने का बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस कर सकें, फ्रॉम एक्सपोजर एंड नेग्लेक्ट मतलब कि उनके जो आपके सामने है एंड नेग्लेक्ट जो कि नकारात्मक चीज़ है उन सभी चीज़ों से। तो ये आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो कि ना हो, तो आप पहला सेंटेंस इसे ले सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हो सकता है, आर और एस भी पढ़ लीजिए, यस इट वॉज अ जीनियस ऑफ कॉरेज, तो आप यस से शुरू करो, या हाँ ये जीनियस ऑफ कॉरेज अच्छी से साहस की बात है, तो ये भी सेंटेंस आपका शुरू में नहीं हो सकता, इसका मतलब आर वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब ऐसे पढ़िए, इन दिस कंपैशन, कंपैशन की बात इसमें नहीं कर रहा, कंपैशन की बात इसमें कर रहा है, तो पहले क्यों आएगा फिर ऐसा आएगा, सीधी सी बात है, तो ऐसा आपका क्या होगा, ऐसा आपका क्यों के बाद होगा, मतलब सबसे पहला सेंटेंस क्यों होगा। अब बताइए हमें क्या करना है, बाकी जोड़ करके और पढ़ करके मीनिंग मिला के, हमें सीधा पहला मिल गया ना क्यों के बाद एस होगा, और आप कंपैशन की बात यहाँ कर रहे, कंपैशन की बात यहाँ, तो क्यों के बाद एस यहाँ पर दिया भी है, समझ में भी आ रहा है, और क्यों के बाद एस दिया भी है, तो आपका बस मिल गया काम, आपके एक ऑप्शन से पी क्यू आर एस हो गए। पी क्यू आर एस का मतलब भी हमेशा यही नहीं होता कि जो एग्जामिनर है वो यही चाहता है कि आप मीनिंग निकाल के जोड़ें, वो ये सोचता है कि आप देखो ग्रामर पॉइंट्स का आप कैसे यूज कर पाते हो कि नहीं कर पाते, आपके पास दिमाग है कि केवल रट्टू ही हो, है ना, तो वो सारी चीजें आपको यूज करनी है। और जब ऐसे पी क्यू आर एस आते हैं जिनका हमें मीनिंग निकाल के कनेक्ट करना है, तो वो पी क्यू आर एस की जो स्पेलिंग्स होगी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, वो इजी होती है, ताकि लड़के आराम से मीनिंग निकाल के अपने थॉट के बेसिस पर उसको सही कर पाए।
तो जहां पर भी पीकी वाले लंबे होंगे समझ लीजिए उसमें कुछ ना कुछ क्लू जरूर है जिससे कि वो चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। अब आप ना समझ पाए तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना। और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं टाइम टाइम पे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी। और आपको बस प्रैक्टिस करनी है अपने से, अपने से भी करिए आप, तब जाके मजा आएगा। हम 25 क्वेश्चन कराते हैं, 25 कम से कम आप भी करिए अपने से, है ना, तब आपको पता लगेगा कि फायदा क्या। केवल हमारे कराने से आपको फायदा नहीं होने वाला, और होगा भी तो बहुत कम होगा, और उतना आपकी किसी काम का नहीं, ठीक है। क्योंकि 45 प्लस हमारी सीरीज का टारगेट, तो आपको 45 प्लस लाना ही लाना है। 45 का टारगेट आप लेकर के चल रहे हैं, उस हिसाब से आपका 40 प्लस भी आएगा, तब भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको 45 प्लस करने की कोशिश करनी है, अपने से भी ट्राई करना है। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इस वीडियो का, राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर, राजेश ने अपने ड्राइवर को आदेश दिया टू डू एज ही वाज टोल्ड, कि वो काम करे जैसा कि उसे कहा गया है। देखिए ऑर्डर कहा, तो अब इसका हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। तो ऑर्डर का मतलब ऑर्डर को आप सेट टू में चेंज करेंगे, तो ऑर्डर को आपने यहाँ पर सेट टू में नहीं चेंज किया, मतलब पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट गलत हो गया। अब बाकी यहाँ सेट टू है, यहाँ सेट टू, यहाँ सेट टू, तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। डू एज ही वाज टोल्ड, तो यहाँ पे वाज आया क्योंकि यहाँ पास्ट था सेंटेंस, ठीक है, रिपोर्टिंग और पास्ट में थी, तो यहाँ पे ही वाज लिख दिया। तो ये किस में रहा होगा, ये प्रेजेंट में रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तभी तो पास्ट इंडेफिनिट में आया। और पैसिव में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव रहा होगा। तो आप सोचिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कहाँ है, तो यू ही की जगह तो आप प्रोनाउन लोगे। ही किसके लिए आया, थर्ड पर्सन आया, तो ही को डिटरमाइन करना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। इससे अच्छा आप क्या करेंगे कि वाज का देख लीजिए, आर टोल्ड कहाँ पर आया है ना, वाज का क्या होगा, आर होगा, टोल्ड का टोल्ड ही होगा। तो यू आर टोल्ड दिया है और यहाँ पर यू आर टोल्ड दिया है, तो डू एज यू आर टोल्ड, तो यहाँ पर आर टोल्ड दिया, लेकिन ये ऑप्शन हम पहले काट चुके हैं क्योंकि ऑर्डर दिया है, हमें तो सेट टू लेना है। और सेट टू वाले में आई टोल्ड यू, ये तो एक्टिव है, ये गलत हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। एज यू आर टोल्ड ये सही है, यू वर टोल्ड, तो यहाँ पर यू वर टोल्ड है, लेकिन ये भी सही है। लेकिन काफ़ी आपको क्या करना है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हो, और पास्ट इंडिफिनिट है तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो। अगर हम इसको लेते हैं तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो जब इसका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमें पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा ना, तो यहाँ तो हैड आ जाएगा, लेकिन हैड तो दिया नहीं है हमें, तो वाज दिया है, मतलब हमें प्रेजेंट लेना पड़ेगा, तभी अगर चेंज होगा तो ये वाज मिलेगा हमें, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना होता है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि किसका हम चेंज करेंगे डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में, कि आपको दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो मिल जाए। तो ये था आज की वीडियो कलेक्शन, और आई होप आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी पूरी इच्छा है कि हम जितना ज़्यादा सहयोग आपसे आप कर सकते हैं आप करेंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, कंटिन्यूटी की कोई बात नहीं है, जब तक हो पाएगा तब तक हम टाइम निकाल के आप करेंगे, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। जितनी ज़्यादा हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप कंटिन्यूटी के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए कि कंटिन्यू करिए, ऐसा कई लोग कमेंट करते हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, जब तक होगा हम करेंगे, ठीक है। और अब मेरा मकसद ये भी नहीं रहता कि एग्जाम हो रहा है और मैं दो दिन पहले तक आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, एक सर्टेन टाइम में हम आपको अच्छी खासी वीडियो करा दें, उसके बाद एग्जाम टाइम पे आपको केवल खुद पढ़ना है, वहां पर कोई वीडियो कोई कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रिवीजन चाहिए होता है, तो वहां पर आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, ना कि आप हमारी वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपके पास टाइम है सीजीएल के एग्जाम के लिए, सीपीओ के एग्जाम के लिए, सीपीओ के लिए टाइम तो नहीं रह गया अगर प्रॉपर टाइम पे कंडक्ट होता है, लेकिन जो लोग सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं और इससे काफी हेल्प ले सकते हैं जितना भी मिले। लेकिन सीजीएल में आपको सर्टेन टाइम के पहले ही वीडियो दे दी जाएगी जितनी भी देनी है, ठीक है, और उस टाइम पे आप को बिल्कुल फ्री रखा जाएगा ताकि आप खुद से पढ़ सके। ये मतलब क्या होता है कि एग्जाम के टाइम में आप वीडियो देखने चल दिए, है ना, ऐसा नहीं, आपको रिवीजन करना होता है वहाँ पर, और वही आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सारे सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं, सिर्फ इंग्लिश से ही काम नहीं चलेगा, है ना, पास तो आप सारे सब्जेक्ट के योगदान से हो जाएंगे ना, सभी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ठीक है, मैं यहीं से वीडियो खत्म करता हूँ, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।